फिर से देखते हैं क्या है वेक्टर सबस्पेस। डेफिनेशन एक्चुअली प्रॉपरली लिखवाई नहीं है इस वाले, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। वेक्टर सबस्पेस इज एनी सबसेट W of a vector space V plus dot is a subspace of V if W plus dot is also a vector space. समझ में क्या बोले? या यहाँ पे लिख सकते हैं इज इटसेल्फ, अपने आप में ये एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अगर ड्रामेटिकली समझेंगे डायग्राम बना के, तो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, दिस इज वी, इसके अंदर एक हम सबसेट लेते हैं सपोज डब्ल्यू। अब वी क्या है? प्लस डॉट के साथ वेक्टर स्पेस बना रहा है। अगर W भी प्लस डॉट के साथ वेक्टर सब स्पेस बनाएगा तो दिस W इज ए सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ सब स्पेस लिखेंगे ना, तो इट्स इनफ। समझ में आया? कोई भी वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वेक्टर स्पेस हो जाता है उसको बोलते हैं वेक्टर सब स्पेस या सब स्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। क्लियर हुआ क्या बोले? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी सबस्पेस। मतलब मेरे पास अगर एक कोई सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो उसका नेसेसरी और सफिशिएंट क्या होगा कि वो सबसेट एक सबस्पेस बनेगा। ठीक है, तो थ्योरम जो है वो इस फॉर्म में आता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V plus dot define over a field में पैर देते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? Vf plus dot to be a subspace, किसका subspace? Of Vr, कुछ condition है satisfy करा हुआ। ठीक है, first condition एक ही condition लिखते हैं। ठीक है, direct method, ये straight forward है पूरा। A V belongs to F, alpha beta belongs to W implies A alpha plus B beta belongs to W। समझ में आया? इसके पहले हम लोग बार बार अल्फा बीटा फील्ड से ले रहे थे। ठीक है, ये नोटेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किसी को प्रॉब्लम हो रहा है अगर यहाँ पे नोटेशन थोड़ा चेंज किया है? प्रॉब्लम हो रहा है क्या? दो एलिमेंट हमको मैम चाहिए, दो एलिमेंट हमको सब स्पेस से चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे यू भी लिखिए या ए भी लिखिए, अल्फा बीटा लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा एलिमेंट कहाँ से लिए हैं बस। ठीक है, एग्जाम में नोटेशन चेंज होता है तो आप लोगों को नोटेशन पे फोकस नहीं करना, आप लोगों को समझने में फोकस करना है कि बनाना कैसे है और किस टाइप से सिलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, सिर्फ रट लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, जैसे आपको लगेगा अच्छा ए भी था अब यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे होता, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए समझिए क्या लिखा हुआ है, दो एलिमेंट फील्ड से, दो एलिमेंट वेक्टर से या
सबसेट से जिसको प्रूफ करना है कि वो सबस्पेस होगा या नहीं, और ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसी सबसेट में, तब हम बोलेंगे दी सबसेट इज अ सबस्पेस। ठीक है, दूसरा पार्ट ये होगा कि अगर वो सबस्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ क्या बोले? अगर सबसेट है, अगर सबस्पेस है तो कंडीशन वन सेटिस्फाई होगा, और अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई हो रहा है तो डब्ल्यू सबस्पेस होगा। ठीक है, तो पहला assumption होगा कि let W be a subspace, then this is true, this is true, A alpha plus B beta belongs to W is true. Second condition, let this is true, then we have to show that W is a subspace. इस type का बनाया, मतलब इस type का आप लोग किए होंगे group में, ठीक है, इसे समझने में problem नहीं होना चाहिए, ring में भी किया है proof, ठीक है, क्या करेंगे? Necessary condition देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग एज्यूम करेंगे कि W A सबस्पेस है, किसका? V का। लेट W B A सबस्पेस ऑफ V। अगर W सबस्पेस है इसका मतलब है W इज वेक्टर स्पेस, इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। क्लियर है ये सब? क्या yes, ma'am. समझ में? सब स्पेस इसका मतलब yes, ma'am. स्पेस होगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, मतलब नेसेसरी इन कंडीशन थ्योरम क्या है? yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस का तो कुछ प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था किसी को याद है? अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप होगा, और मल्टीप्लीकेशन के केस में स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन क्लोज होगा, ये याद है ना? और दो तीन प्रॉपर्टी और था, लोग इतने ही में फोकस करते हैं। नेक्स्ट, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, सिंस डब्ल्यू इज A subspace. So, from the properties of vector space, या फिर आप यहां लिख सकते हैं W is a vector space. Subspace है मतलब vector space होगा, ठीक है? From the properties of vector space, W is closed under स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर ये क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट अगर हम फील से लिए, दैट इज ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्लियर है? एंड बी बिलोंग एफ, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इम्प्लाइज B beta belongs to W. Again, W plus is an abelian group. Abelian group है, that is W is closed under addition, that is A alpha B beta belongs to W implies close है। ये दो element W कहाँ है? यहाँ से दिख रहा है कि मेरे पास दो element W में है, तो वही दो element हम choose कर रहे हैं, मतलब A alpha plus B beta belongs to W। ये हो गया necessary part। यहाँ पे किसी को doubt है तो बोलिए, कुछ नहीं समझ में आया? सब समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया? उषा, रूपा, श्रेया, बबीता, इट्स क्लियर? ओके फाइन, मैम आ गया, आ गया। बाकी लोग को? दो लोग का आवाज आ रहा है 45 में। कितना? यस मैम, छह लोग का आवाज, सात लोग। और बाकी 38 लोग का है? यस मैम, जबरदस्त।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये हो गया मेरा यहाँ तक, हम लोग नेसेसरी पार्ट देख लिए. ठीक है, अब नेसेसरी पार्ट देखने के बाद हम लोग देखेंगे सफिशिएंट पार्ट. ठीक है, ये थ्योरम आज हम करवा दे रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आप लोग जाके बी ऑनेस्ट प्लीज. अब हम आपके साथ तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपने साथ हैं, तो आप लोग से ज्यादा खुद के लिए ऑनेस्ट कोई नहीं हो सकता. जाके आप उसको अपने से लिखिएगा. ये थ्योरम में कुछ भी याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है. आपको याद रहना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, अपने से लिखिएगा. मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स तो पक्का है. ठीक है, या 7 मार्क्स आई थिंक. सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन. अब सफिशिएंट कंडीशन क्या करना है बताइए. तो सफिशिएंट कंडीशन हम लोग क्या एज्यूम करेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या एज्यूम करना है और क्या प्रूफ करना है. ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग एज्यूम करेंगे कि W इज अ सबसेट ऑफ V व्हिच सेटिस्फाई इक्वेशन, सॉरी व्हिच सेटिस्फाई कंडीशन नंबर 1. देन वी हैव टू शो दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V. क्लियर हुआ क्या बोले? यस मैम. B a subset of V which satisfies A alpha plus B beta belongs to W if A B belongs to F alpha beta. ये गलत हो गया, लिखने में चेंज करते हैं. W be a subset such that, which satisfies me, something like that, such that if A B belongs to F and alpha beta belongs to W implies A alpha B beta belongs to W. Clear ma? V ka ek aisa subset hai W jo ye relation satisfy kar raha hai. Theek hai? Now we have to show that. To show that W is a subspace of V. अब ये तो necessary and sufficient condition है. ठीक है, इसमें एक shortcut way है ये prove करने का कि कोई subset subspace कैसे बनता है. अब ये बात हो रहा है कि इस condition में, sufficient condition में मेरे पास एक subset है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ वी हैव टू शो दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V. हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, या रोड मैप ऑफ प्रूफ क्या होगा, रास्ता क्या होगा प्रूफ का, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे पता चलेगा कि W सबस्पेस है, बताइए तुम भाई. W सबस्पेस इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना है. मैम हम लोग प्रूफ उसका सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे. इसको कौन सा प्रॉपर्टी, मैं वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सारे प्रॉपर्टीज को. ठीक है, कोई और कुछ बोल रहा था आपके साथ, आपके पैरेलली कोई बोल रहा था, कौन था बताइए, बोलिए सही. प्रेरणा मैम, प्रेरणा. हां प्रेरणा, मैम वी विल हैव टू प्रूव दैट W इज अ वेक्टर स्पेस. यस, शो करना. Yes, under same binary operation, मतलब addition and multiplication, we have to show that W is a vector space. कोई और choice है ही नहीं आपको. आपको ये पता है कि V जो है vector space है. लेकिन अगर आपको show करना है कि W subspace है, तो you have to show that W is a subspace. That is, we need to show that so that W plus would be a vector space. Clear हुआ क्या बोले? इतना language बस इस तरह लिख रहे कि समझ में आना चाहिए कि क्या है और क्या prove करना है. It's like आपके पास कौन सा dress है और आपको क्या खरीदना है? नहीं. अगर आपके पास same same dress है, नहीं. अभी कुछ और चल रहा है. Last year आप कुछ और खरीदा. आपको लगता है ना कि नहीं आपके पास ये collection नहीं, आपको वो खरीदना है. या आपके पास ये collection और book नहीं है, आपको वो खरीदना है. ऐसा rare ही होता है. मतलब बुक के लिए सोचते हैं, ड्रेस के लिए सोचते हैं, लेकिन ऑलरेडी नहीं. तो भाई मेरे पास yes, क्या खरीदना है,
या मेरे पास क्या और हमको क्या प्रूफ करनी है, उसने इतना कुछ लिखा है कि क्या है क्या करना है, ठीक है। तो वैसे ही समझिए क्या है और क्या करना है, बता रहा है ये चार पाँच चाहिए। अब वेक्टर स्पेस है उसके लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप वन होगा, यू हैव टू शो दैट नेक्स्ट यू शो दैट डब्ल्यू प्लस इज एंड रूट, यही होगा ना वेक्टर स्पेस। मैम वेक्टर स्पेस होने के लिए आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि अंडर एडिशन दैट वुड बी एन अबेलियन ग्रुप, और मल्टीप्लिकेशन के केस में तीन चार प्रॉपर्टी है, तो पहले तो हम देखते हैं कि अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अबेलियन ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या 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 प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। I'm closer associative, identity inverse and commutative. Commutative. Yes, we have A, B belong. यहाँ पे repeat कर रहे हैं ताकि इस पेज पे दिखाई दे, ठीक है। हमको तो याद है, but आपको problem होगा इसलिए। This belongs to W, implies A alpha, B beta belongs to W. Suppose this is equation number one, ठीक है? Let. अब यहाँ पे देखिए मेरे पास field है। अब assume करें कि field जो है मेरे पास वो सेट ऑफ रियल नंबर है, आपके लिए आसान होगा। सिर्फ यहाँ एफ लिखते हैं तो आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो आपको समझ में आता है, अच्छा रियल नंबर है, एक लेना है, दो लेना है, माइनस वन लेना है, माइनस टू लेना है, ये क्लियर होता है, ठीक है। तो हम पहला लेंगे केस वन, या टेकिंग एक वैल्यू स्केलर का वैल्यू चूज कर रहे हैं, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन। ये चॉइस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रूफ को पढ़िएगा ना, कहीं कहीं पे चॉइसेस चेंज होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन लेंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा इक्वेशन वन है फ्रॉम इक्वेशन वन, अब यहाँ ए इक्वल टू वन तो ये हो जाएगा वन एंड दिस अगेन वन, तो वन वन बिलोंग्स टू एफ। फील्ड में यूनिटी एलिमेंट रहता है, इस अंडरस्टूड, ठीक है। ऐसे भी ए के लिए वन लिए, बी के लिए वन, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप इमेजिन करिए कि दिस फील्ड इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, उस रियल नंबर में तो वन है, और अगर उतना नहीं समझ में आ रहा तो फील्ड बिना यूनिटी एलिमेंट के बनता ही नहीं, तो ये भी अंडरस्टूड है कि ठीक है वन तो हो गई। तो ए और बी का वैल्यू हम सेम ले रहे हैं, वो सेम वैल्यू वन है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन वन, वन बिलोंग्स टू एफ, alpha beta belongs to W implies 1 alpha 1 beta belongs to W implies alpha plus beta belongs to W. Clear हुआ? क्या लिखे, कैसे किया? Yes, ma'am. इसका मतलब है W is, कौन सा प्रॉपर्टी है ये बताइए तो, alpha beta W में है तो उसका एडिशन भी W में होगा, प्रॉपर्टी है मैम क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ W is close under addition, समझ में आया? नेक्स्ट अल्फा के प्लेस पे, ए के प्लेस पे वन, म्यूट करिए आवाज बहुत आ रहा है, ठीक। ए इक्वल टू माइनस वन चूज करें, बी इक्वल टू जीरो, फ्रॉम वन वी हैव माइनस वन बिलोंग्स टू एफ कॉमा जीरो बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज माइनस वन अल्फा plus 0 beta, this belongs to W implies minus alpha belongs to W, मतलब इस लाइन से अगर अल्फा W में है तो we have minus alpha belongs to W, that is if alpha belongs to W implies minus alpha belongs to W, क्या प्रॉपर्टी है ये, कौन सा प्रॉपर्टी है,
अगर अल्फा डब्ल्यू है तो माइनस इनवर्स, आई मीन इनवर्स, यस इनवर्स, तो मैम एडिटिव इनवर्स, यस एडिटिव इनवर्स, ठीक है मतलब फुल ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वी हैव माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. यहाँ पे इनवर्स मत लिखिएगा ठीक है, क्योंकि आपके पास दो दो बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो आप इनवर्स लिखेंगे तो क्लियर ही नहीं होगा कि वो एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव. अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि इनवर्स तो इस ओके, क्योंकि वहाँ एक ही बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन, तो आप क्या लिख रहे हैं इट शुड बी वेरी क्लियर. तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, अगेन क्या क्या लॉ प्रूफ हो गया, क्या क्या लॉ प्रूफ हो गया, क्लोजर एंड एडिटिव इनवर्स. अब ए इक्वल टू जीरो दिए, बी इक्वल टू जीरो दिए, और अल्फा बीटा डब्ल्यू में है पर ए भी कहाँ था, फील्ड में, तो जीरो भी फील्ड में होगा ही क्योंकि फील्ड रिंग है और रिंग एडिटिव एडिशन के अंडर ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है इसका मतलब है कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगा. इंप्लाइज जीरो अल्फा जीरो बीटा दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू. अब कोई भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बस जीरो ठीक है, मतलब स्केलर एंड वेक्टर जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू. क्या हो गया, दिस सोर्स एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, एग्जिस्टेंस एडिटिव, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं एडिटिव आइडेंटिटी. अब क्या क्या बाकी रहा बताइए, क्या क्या बाकी रहा, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव. एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बाकी रहा किसके लिए, अबेलियन ग्रुप के लिए ठीक है. अगेन लास्ट में भी कर सकते ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लेते उसके बाद लास्ट में फिर प्रूव करेंगे ठीक है. नाउ टेकन बीटा इक्वल टू जीरो, एक वेक्टर जीरो ले सकते हैं, बीटा जीरो ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बीटा इक्वल टू जीरो. यहां पे देखिए जस्ट प्रूफ किया दिख रहा है ये जीरो, तो हम अभी एक वेक्टर को जीरो ले लिए ठीक है. ये स्टेप लास्ट में आना चाहिए क्योंकि हम लोग इसके जस्ट पहले ये शो किए हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इक्वेशन नंबर टू लिख सकते हैं कैसे ये जीरो हो रहा है, ये आप यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम टू, समझ में आया, बीटा इक्वल टू जीरो फ्रॉम टू. अब ए बी फील्ड में है, अल्फा बीटा डब्ल्यू में है, तो ए अल्फा प्लस बी जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू. क्या दिखा रहा है ये, डब्ल्यू इज क्लोज्ड किसके अंडर, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है. अब हम लोग कोई कंडीशन नहीं अज्यूम करने वाले हैं, कोई टेकिंग बेकिंग नहीं होगा ठीक है. चार कंडीशन था मेरे पास, एक में हम शो किए कि अंडर एडिशन w प्लस इज क्लोज्ड, नेक्स्ट शो किए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, थर्ड शो किए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड द लास्ट वन इज w इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट, बस हो गया जितना कंसिडरेशन था, जितना लेट करना था, टेकिंग करना था, सब उसको शो हो गया ठीक है. नाउ वी हैव टू शो दैट बी डब्ल्यू प्लस डॉट इज अ सब स्पेस, लेकिन कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ है और आपके पास कितना प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस के लिए, अबेलियन ग्रुप में ही तो पांच हो गया ठीक है. और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लीकेशन के केस में कितना प्रॉपर्टी है बताइए, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या क्या प्रॉपर्टी है,
डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सेमी ग्रुप. यस ठीक है. तो सेमी ग्रुप किसके अंडर? मल्टीप्लिकेशन एडिशन. क्लोजर मैम मल्टीप्लिकेशन. मतलब आप अगर दो वेक्टर ले रहे हैं और एक स्केलर तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. फिर एक वेक्टर. यस मैम. दो वेक्टर एक स्केलर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. दो स्केलर एक वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन लेकिन वेक्टर और स्केलर के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए और यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए फील्ड में. ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी और आपको सेटिस्फाई करना है. ठीक है, तो फील्ड में तो यूनिटी एलिमेंट है ही. अब क्या करना है देखिए, कैसे प्रूव करेंगे कि ये सब स्पेस हो गया. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब हम लोगों को दिखाना है कि जो W है प्लस क्या कह रहे हैं क्या इज एसोसिएटिव कम्यूटेटिव. ठीक है, वी नीड टू शो दैट. ये दो प्रॉपर्टी हो जाएगा तो W प्लस क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा. चलिए अब हम लोग अबेलियन फिगर बनाते हैं. हम लोग ये मेरा V है. This is V. Sorry. This is V plus dot. अब A क्या पे है? W consider किया. This is W plus dot. ये W plus dot नहीं, चलो W लिखेंगे. ठीक है? तो ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि subset ले रहे हैं ना. ये बड़ा वाला जो स्क्वायर टाइप दिखाई दे रहा है वो है वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. दिस इज वी एंड दिस इज डब्ल्यू. क्लियर है? अब हम लोग ये बोल चुके हैं कि वी जो है ये वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. क्लियर है? ये तो मेरा एजम्पशन है ना कि डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस. आपको ये दिखाना था कि इसका सबसेट हो जाएगा वेक्टर स्पेस. तो वी अगर प्लस और डॉट के लिए वेक्टर स्पेस बना रहा है इसका मतलब है कि एडिशन के अंडर वी जो है वी प्लस एसोसिएटिव होगा कम्यूटेटिव होगा. वी प्लस मैम होगा कम्यूटेटिव होगा क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि वी इज अ वेक्टर स्पेस. अब यहां पे मान लीजिए इनफाइनाइट एलिमेंट है. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है तो इतना सारा एलिमेंट जो है उसके लिए वी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर हम कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कुछ एलिमेंट्स को हम लेके डब्ल्यू अगर बनाते हैं तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होगा. हो गया या नहीं सोच के बताइए. अच्छा ठीक है, चलिए इतना मत सोचिए. आप सिंपली रियल नंबर इमेजिन करिए. आप कर सकते हैं रियल नंबर? आप इमेजिन कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर? यस मैम. यस सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट बनाते हैं. सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा क्या? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं हम लोग. यस ठीक है, इंटीजर ही लेते हैं. मतलब मेरे पास एक सेट है R, दिस Z इज सबसेट ऑफ R. समझ में आ रहा है? इंटीजर एंड दिस इज रियल नंबर. तो रियल नंबर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है अंडर एडिशन तो इंटीजर हो गया. इंटीजर हो गया है ना? Yes, ma'am, होगा. ठीक है, तो अगर कोई भी सेट अगर associative commutative होता है ना तो उसका subset associative commutative होता ही होता है. ये मतलब इस लाइक ये प्रॉपर्टी के लिए सोचना नहीं, ये हो गई. ठीक है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? सिंस आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस W इज सबसेट ऑफ V, सो W प्लस इज W प्लस ऑल्सो सेटिस्फाइज also satisfies associative and commutative property. Commutative property. Hello everyone. Implies this W plus
is an obtained vector. यहाँ तक समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. आ गया समझ में? Yes, ma'am. Okay. अब दिखाना है कि scalar multiplication जो है वो सब कुछ certain property satisfy करता है. Now we have to show that scalar multiplication ये सब हम हटाते रहे नहीं तो आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन होगा. Scalar multiplication satisfies following properties. अब following properties क्या है वो लिखते हैं हम लोग. ठीक है तो ज्यादा समझ में आए. यहां तक क्लियर है? सेवन पेज कंप्लीट हो गया. यहां तक समझ में आया आपको? सेवन पेज क्या मतलब? यस मैम. यस मैम. फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर वन इज A alpha plus beta equal to A alpha plus B beta. For all A belongs to F, alpha beta belongs to W. Number two. और एक चीज यहाँ W लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि W को सब स्पेस दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है. ये सब चीज याद रखिएगा, समझिए ये सब चीज. ठीक है, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए. मैम A alpha plus A beta. Oh sorry sorry. Thank you. देख के अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं. तो कौन ध्यान देता है? सब कितने लोग तो ऑनलाइन होकर इधर उधर हो गए होंगे, पता है? मतलब खुद भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं है. ओह सॉरी, इतना ध्यान भी ध्यान इतना जोर से बैठा हुआ नहीं है कि ए अल्फा बी बीटा. जब हम इंटरव्यू के लिए आए हैं ना, तो मेरा इंटरव्यू था एक जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेवियर कॉलेज में. वेक्टर्स पूछा गया, कौन सा टॉपिक से आपसे पूछा क्वेश्चन? तो हम बोले वेक्टर स्पेस से पूछे. मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है ए अल्फा बी बीटा. ठीक है, तो दिस इज ए अल्फा बी ए अल्फा ए बीटा. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे एक स्केलर है और दो वेक्टर. ठीक है, सेकंड केस में याद रखने के लिए, मतलब आपको 50 चीज याद नहीं रखना, आप अगर ये वाला लाइन याद है तो दूसरे केस में हो जाएगा दो स्केलर एक वेक्टर. दिस इज ए प्लस बी. This is alpha. Unmute करिए, किसी के साइड से बहुत noise आ रहा है. A alpha, B beta. Again, for all A B belongs to F and beta belongs to. Sorry. My God. Again हम यहाँ पे B beta लिखे हैं. This is B alpha. ठीक. यहाँ पे. This is A alpha, B alpha and this is alpha belongs to W. हो गया फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी. याद रखने में ज्यादा मेहनत नहीं है, एक है तो दूसरा हो जाएगा. थर्ड इज एसोसिएटिव, दो स्केलर एक वेक्टर के साथ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है. दिस इज ए एंड बी अल्फा. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू. आपको दिखाई दे रहा है हम यहाँ बार बार लिख रहे हैं ये सब चीज. आप चाहे ना तो ऊपर में एक लाइन लिख लीजिएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दैट वेक्टर स्पेस. Yeah, that's it. बस उसके बाद बार बार ये सब लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, नंबर फोर. वन अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड वन बिलोंग्स टू फील्ड. तो फील्ड में वन होगा. ठीक है, अब क्या हुआ? ये चार प्रॉपर्टी हमको दिखाना है किसके लिए? डब्ल्यू के लिए, सेटिस्फाई करता है. तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे, सिंस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी, सो W plus dot satisfies all the above property. अब यहां पे हम सिर्फ W dot क्यों नहीं लिखे? W dot हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि number one, number two दिखाई दे रहा है. यहां पे addition भी है, actually यहां पे dot होता है. ठीक है,
यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डॉट सेटिस्फाइज ऑल द एबल प्रॉपर्टी. सो डब्ल्यू प्लस डॉट इज ए वेक्टर स्पेस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ बी. समझ में आया कैसे किए क्या किए?